देखिका श्री रुक्मिणी संगल जी, मेहरानगढ़ किले को देखने के बाद जसवंत ठंडा नाम के स्मारक को देखती हैं, जो स्मारक इतना अप्रतिम है कि जिससे नज़रें हटाने पर भी हटती नहीं है, ऐसा लेखिका प्रस्तुत पाठ में कहती है। क्योंकि वो जो स्मारक है वह राजा जसवंत सिंह की याद में बनाया गया है और वहाँ की जो कला है, वहाँ के जो अलग अलग वहाँ पर पशु पक्षी हैं उनकी भी आवाज़ें वहाँ पर आती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो जितने भी पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम वह जसवंत ठंडा नाम का स्मारक करता है, ऐसा भी लेखिका कहती है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर लेखिका जब जसवंत ठंडा को देखती हैं, वहाँ के उद्यान को देखती हैं, स्मारक को देखती हैं, तो फिर आगे जब शाम हो जाती है तो शाम को उनको जैसलमेर के लिए निकलना था, तो जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए रात्रि की गाड़ी थी और उस गाड़ी से लेखिका जोधपुर के रेल स्टेशन पर आती हैं। जोधपुर के रेल स्टेशन पर आने के बाद फिर लेखिका रात्रि की गाड़ी में बैठती हैं और बैठने के बाद सुबह सुबह लेखिका जैसलमेर पहुंच जाती हैं। तो जैसलमेर पहुंचने के बाद सबसे पहले लेखिका क्या करती हैं, तो लेखिका गाड़ी से उतरती हैं। गाड़ी से उतरने के बाद एक कमरे में उनके जो लोग थे वहाँ के जैसलमेर के, उन लोगों ने उनका सामान एक कमरे में रख दिया और फिर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण के लिए निकलने के बाद लेखिका सबसे पहले पटवा नाम का जो सेठ हैं उस पटवा की हवेलियाँ देखने के लिए निकल पड़ती है। पटवा की हवेलियों में वह पटवा नाम का जो सेठ थे, तो उसने जैसलमेर में कला का अप्रतिम नमूना ऐसी 5 हवेलियाँ उसने बनाई हैं। उसके 5 पुत्र थे, उन्हें 5 पुत्रों की याद में पटवा सेठ ने 5 हवेलियाँ बनवाई हैं और उन 5 हवेलियों में कला का, वास्तुशिल्प का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, ऐसा रुक्मिणी संगल जी प्रस्तुत पाठ में कहती हैं। और कहा जाता है उस पटवा की हवेली के बारे में कि ईरान के जो कलाकार थे, ईरान के जो कारीगर थे, उन ईरान के कारीगरों ने वह वास्तुशिल्प बनवाया है जो बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद फिर लेखिका सम ग्राम के लिए निकल पड़ती है। जो सम नाम का ग्राम है, उस सम नाम के ग्राम में फिर जो रेगिस्तान का इलाका है, उस चारों तरफ रेगिस्तान का इलाका होने के कारण चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। और यदि हम पैदल चलते हैं उस रेत पर, तो पैदल चलते समय हमारे घुटनों तक पैर उसके अंदर धंस जाते हैं, ऐसा भी लेखिका कहती है। इसीलिए सम गांव को जब पहुंचती हैं तो जीप से पहुंचती हैं और जीप से पहुंचने सम गांव 2-3 किलोमीटर दूर रह जाता है, उससे पहले जीप वाला उनको उतार देता है। और उतारने के बाद लेखिका जो राजस्थान की या रेगिस्तान की जो सवारी होती है, उस रेगिस्तान की सवारी ऊंट होती है और उस ऊंट पर बैठकर सम ग्राम के लिए निकलती है। और सूर्यास्त उनका केंद्र बिंदु था लेखिका का, और शाम तक उसी सम ग्राम में वो रहती है। और जब शाम हो जाती है, सूर्य भी ताम्र वर्ण धारण कर लेता है, उस समय वह सीधे शाम में जब सूरज पश्चिम दिशा की ओर डूब रहा था तो उसका सूर्यास्त का दर्शन भी वह करती है। और उसके बाद रात्रि भोज के लिए सीधे उनके जो रात्रि के भोज का जो प्रबंध किया गया था उस जगह पर पहुंचती हैं।